कोरोना के भयावह रफ्तार को देखते हुए धनबाद के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट घोषित है और जितने भी अस्पताल हैं उनके तमाम सीट, खासकर आईसीयू और नन आईसीयू बेड जो हैं वो पूरी तरह से फुल है। वेंटिलेटर में भी लोगों को जगह नहीं मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में जब अभी हम सेंट्रल अस्पताल पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले SDM सुरेंद्र कुमार पहुँचे हैं जो कि इस अस्पताल के नोडल पदाधिकारी भी हैं। उपायुक्त ने उन्हें नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। और सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर देर रात कुछ मरीजों के द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसको लेकर कुछ देर के लिए पैनिक की स्थिति बनी थी। बहरहाल हम पूरे मामले पर जो SDM आए हुए हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जो हॉस्पिटल के जो CMO अथवा DPCMO अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सेंट्रल अस्पताल में इलाजरत मरीजों के परिजन ऑक्सीजन की कमी से पैनिक हो रहे हैं। एक मरीज के परिजन ने बताया कि नॉन आईसीयू बेड पर बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी कमी है। कई मरीजों को बाहर से सिलेंडर लाने के लिए कहा जा रहा है, कुछ लोग लेकर भी आ रहे हैं। जब स्वयं उनका मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ तो उन्हें ऑक्सीजन फ्लो मीटर लाने को कहा गया। धनबाद के तमाम सर्जिकल दुकानों में घूमने के बावजूद उन्हें ऑक्सीजन फ्लो मीटर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मरीज को काफी परेशानी हो रही है। हमारा एक परिजन भर्ती है यहाँ, उनकी वाइफ BCCL एम्प्लॉय थी और अभी उनका हस्बैंड यहाँ भर्ती है जो मेरा भाई है, और उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक रात में कल गिर गया था। हम लोग आनंद फानंद में हॉस्पिटल आए तो अपना ऑक्सीमीटर लेकर के आए, जब ऑक्सीजन लेवल उनका देखा तो काफ़ी बिलो था, 70 बिलो। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है मात्र 6 बेड है और पेशेंट को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ऑक्सीजन का, तो 6 बेड से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का वार्ड में परिजन के साथ जो होता है सिलेंडर का घीचा तीरी हो रहा है। और सिलेंडर रहते हुए में भी एक पार्ट्स होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है पेशेंट में, जिसका नाम है O2 फ्लो मीटर। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, उसका नाम है ऑक्सीजन फ्लो मीटर। और वहाँ से एक स्लिप में लिख करके दिया जाता है कि आप इसका अरेंजमेंट कर लें, आप खुद व्यवस्था कर लें, आपको पेशेंट को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो। और मैं उस चुटका को लेकर के पूरे धनबाद के जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स की जो दुकानें हैं मैंने सभी में देख लिया, कहीं पर भी वो नहीं मिला। क्या कहा गया वहाँ पर दुकानदारों के द्वारा? दुकानदारों के द्वारा बोला कि ये नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना छोटा छोटा जो पार्ट्स का जो कमी है उसको दूर करिए, ताकि यहाँ पर जो जाने बच सके। और मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप BCCL के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं हमारी बातों को पहुँचाएँ और जो परिजन लोग जो यहाँ पर चिंतित है, पीड़ित है, उनको जल्दी से जल्दी सहूलियत मिले। ऑक्सीजन लाने के लिए भी कहा जा रहा है परिजन को? ऑक्सीजन लाने के लिए भी कहा जा रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर आप लेके आइए, खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आइए, तो ऑक्सीजन फ्लो मीटर लेकर के आइए। और वार्ड में जो सिस्टर रहती है उन्हीं पर पूरा वार्ड है, जबकि डॉक्टर को एनी टाइम यहाँ मौजूद होना चाहिए। डॉक्टर कितने बार राउंड करते हैं? एक बार, जो कि अभी तक एक बजने वाला है, अभी तक शायद अभी तक नहीं आए। 24 घंटे में दो बार होना चाहिए, ये सुनिश्चित करवाइए। हमारे पास दो टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, बी टाइप और डी टाइप। जो बड़े होते हैं वो डी टाइप होते हैं। तो ICU के पेशेंट्स को हम लोग पाइपलाइन से सप्लाई करते हैं, कोविड ICU के पेशेंट्स को, जो कि डी टाइप से होता है। तो उसका नंबर हमारे पास सफिशियंट है, काफ़ी है। उसके अलावा डी टाइप हमारे हॉस्पिटल्स में जो नॉन कोविड पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं उसमें जाता है, तो डी टाइप हमारे पास सफिशियंट है, जो बड़ा सिलेंडर होता है। और जो छोटा सिलेंडर जो बी टाइप, मेनली नॉन ICU कोविड पेशेंट्स के लिए है और जो वार्ड में जो मरीज है उसके लिए है, तो वो थोड़ा कम है संख्या में। तो उसके लिए हमारे CMO साहब, DC साहब, SDM साहब सब प्रयासरत हैं कि उसको और बाहर से मंगाया जाए, और ऑर्डर किया भी गया है उस संदर्भ में। उसके अलावा नॉन ICU में पाइपलाइन बिछाने के लिए भी बात किया गया है, और 2-3-4 दिन में उम्मीद है कि वो बिछ जाएगा, तो फिर डी टाइप सिलेंडर्स का भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। कितना कंज्यूम हो रहा है? कंज्यूम करीब 1 घंटे में 6 बड़ा सिलेंडर सिर्फ ICU में कंज्यूम हो रहा है, और नॉन ICU में छोटा सिलेंडर यूज़ होता है। मीन्स 24 घंटे में करीब डी टाइप 240 सिलेंडर्स चाहिए बड़ा सिलेंडर, और छोटा सिलेंडर्स भी 100 के राउंड चाहिए होता है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन, काफ़ी ज़्यादा है,
और उस हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। बोकारो से रिफिल होकर आता है तो समय पे लोग पहुँचा देते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और देखते रहते हैं ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। अभी तक तो सब ठीक ही है, दिक्कत नहीं हुआ है, सब ठीक है। रात में कुछ समय थोड़ा डिले हो गया था, बोकारो से गाड़ी आने में डिले हो गया था, तो उसके लिए जो जो इंटरप्राइजेज से बात हुई थी वो लोग एक्स्ट्रा सिलेंडर ला के दिए, तो फिर संभल गया स्थिति और वैसा कोई पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हुआ। कम हो गया था लेकिन दिक्कत नहीं हुआ और अभी अभी सप्लाई और फास्ट हो गया है तो उम्मीद है आगे दिक्कत नहीं होगा ऐसा कुछ। जी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अनिश गांधी है, मैं यहाँ डिप्टी CMO सेंट्रल हॉस्पिटल में और मुझे ऑक्सीजन सप्लाई देखने का काम दिया गया है। सेंट्रल हॉस्पिटल बींग ए नोडल अफसर हमेशा मैं यहाँ के देखता हूँ। आज मैं खुद यहाँ पे चल के आके देख रहा हूँ कि यहाँ पे पेशेंट्स की क्या स्थिति है। एक्चुअली जितने हमारे ICU बेड हैं भरे हुए हैं, नॉन ICU बेड भी भरे हुए हैं। सर का निर्देश था कि कई पेशेंट ऐसे हैं जो 5-6 दिन से पड़े हुए हैं पर उनके टेस्ट सैंपल्स अभी तक आए नहीं है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि रैट टेस्ट करा लेते हैं। रैट में अगर इनका नेगेटिव आता है और डॉक्टर उनको बताते हैं कि सर दे आर गुड तो हम लोग उसको डिस्चार्ज करेंगे। अभी हम लोगों ने एक दो को डिस्चार्ज भी किया है, अभी अपने यहाँ रैट टेस्ट का कार्य चल रहा है। दूसरी बात है कि अभी यहाँ पे जो आया तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल हॉस्पिटल में है वो बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। यहाँ पे 43 मात्र हैं, जंबो साइज़ के जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर है वो 189 के आसपास हैं। पेशेंट्स को एक्चुअली जो हमारे नॉन ICU में है उनको बी टाइप सिलेंडर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ बैठ के निर्णय लिया था। BCCL ने भी पहले भी इस चीज़ को एक्सरसाइज किया था कि जिस प्रकार हम लोग ICU बेड में पाइपलाइन से सप्लाई कर रहे हैं उसी तरह नॉन ICU में भी हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ जंबो साइज के ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। तो उसका काम अभी दो इंजीनियर्स आए हुए वो देख रहे हैं, हमें लगता है कि 2-3 दिन में वो तुरंत कंप्लीट कर देंगे ताकि हमारे नॉन ICU वाले जो भी पेशेंट आएंगे उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जहाँ तक बी टाइप सिलेंडर्स का इन लोगों ने डिमांड करके रखा है, जे इंटरप्राइजेस को बोल के रखा है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अभी जानकारी मिल रही है कि बोकारो में एक 600 बी टाइप सिलेंडर्स आया हुआ है, तो जे इंटरप्राइजेस को हमने कहा है कि आप उनसे कंसल्ट करें, उनके संपर्क में रहें, और BCCL ने आपको यदि ऑर्डर दिया है 50 का तो आप एम्बुलम यहाँ पे 50 हमको बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर भेजवाएं। यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ की टीम एक बहुत बेहतर काम कर रही है कि जो हमारे ऑक्सीजन बी टाइप खाली भी हो रहे हैं तो तुरंत इनके राउंड अप में भराते जाते, रिफिलिंग हमारी बोकारो से आती है तो हर 2-3 घंटे में हमारी रिफिलिंग होती जा रही है, लेकिन वो हमारे लिए अभी उतनी जितनी ज़रूरत है उतना कम पड़ जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो निर्णय हुआ है वो बड़ा ही सराहनीय निर्णय हुआ है कि सर हम लोग पाइपलाइन नॉन ICU में भी बिछवा दें। आपदा को लाभ का अवसर में भी कुछ लोग बनाए हुए हैं, जैसा कि सूचना मिल रही है, तो वैसे ही लोगों के खिलाफ प्रशासन का क्या अभी तक कहीं मुहिम दिखा नहीं? दवा दुकानों में भी इस तरह का अधिक दाम? मुझे इस तरह की यदि कंक्रीट जानकारी अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे स्तर से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि DC सर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर है कि इस समय लोगों को मानवता के रूप में सहायता करनी चाहिए, उसको अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए। मुझे इस तरह की सूचनाएं कभी कंक्रीट नहीं मिल रही है कि मैं जाऊं वहां पे और इस तरह की कार्रवाई करूं। एक बार मुझे जानकारी मिली थी कि ऑक्सीमीटर का, लेकिन जब मैं उस दुकान में गया, बड़ी सी दुकान थी, तो वहां पता चला कि ऑक्सीमीटर उसके पास है ही नहीं, तो मुझे गलत सूचना देके वहां पे भेजी गई थी। कल एक चैनल में बातें चल रही थी कि हमारे कई जो एम्बुलेंस वाले लोग हैं ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो रेट तो हमें पता चल गया है, तो मैं उस तरह किसी एम्बुलेंस वाले का भी किसी ग्राहक से पैसा लेता है तो उस पर कार्रवाई करूंगा और निश्चित कार्रवाई होगी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वो मिलके धनबाद के लोगों को बचाना है और उसमें सब लोग एक दिन वो भी पेशेंट बनेंगे तो उन्हें भी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सबको मिलके और एक पॉजिटिव नोट से हम लोग को काम करना है। सर ये पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर ऑटोपिस्टोल? पल्स ऑक्सीमीटर का मैं उस दिन जहाँ पे सारे मेडिकल दुकानें थे तो वहाँ पे पता चला कि पल्स ऑक्सीमीटर उतने आ नहीं रहे यहाँ पे। अब बड़े बड़े दुकानें में यहाँ पे हमारे ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं तो उन लोगों को हमने बुलाया है, ड्रग्स इंस्पेक्टर को अभी बताते हैं कि बड़े बड़े कौन से यहाँ होलसेलर हैं, अगर उनके पास हम लोग एक बार रेड करेंगे, अगर उनके पास मिलता है तो फिर कार्रवाई होगी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीमीटर भी यहाँ पे कम आ रहा है। धनबाद कोयलांचल में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रही है, बावजूद जिला प्रशासन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लगातार कोशिश जारी है कि जो भी मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं, उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने ना दी जाए। और इसी को लेकर अभी हम धनबाद सेंट्रल अस्पताल पहुंचे हैं जहां पर कि
कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है और यह जो जगह है यहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे अस्पताल परिसर में होती है। जैसा कि थोड़ी देर पहले जब हमने बात किया SDO से और उसके बाद अस्पताल के डिप्टी CMO से बात की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 240 सिलेंडर 24 घंटे के भीतर जंबो टाइप के यहाँ पर ICU के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बी टाइप सिलेंडर की भी आवश्यकता नन ICU और सामान्य मरीज जो बेडों पर मरीज हैं उनके लिए आवश्यकता है इसकी। तो अभी तक तो इसकी कोई कमी नहीं हुई है, हालांकि देर रात कुछ समय के लिए पैनिक की स्थिति बनी थी लेकिन उससे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। तो आने वाले वक्त में नन ICU जो बेड हैं वहाँ पर भी पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो बी टाइप सिलेंडर का जो डिमांड है वो कम जाएगा। मेरे मीडिया अपने दर्शकों से अपील करती है कि आप सुरक्षित रहें और घरों पर रहें, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें क्योंकि अस्पतालों में जगह अभी पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सहयोगी विक्रम के साथ राजकुमार जायसवाल, मिरर मीडिया, धनबाद।